अस्सलामुअलैकुम फूडीज, हाजिर हुए हम लोग एक और नाश्ता सीरीज के जबरदस्त एपिसोड के साथ। और बहुत शुक्रिया आप लोगों ने लास्ट वीडियो को हमारे इतना सपोर्ट किया, इस वीडियो को भी वैसे सपोर्ट कीजिएगा। आज हम लोग मौजूद हैं मेन जैकब लैंड पे, मेन एमएजना रोड से जब आप अंदर की तरफ आएंगे स्टूडेंट बिरयानी के करीब ये जगह मौजूद है। और आपको दिखाते हैं जगह कौन सी है। इस जगह का नाम है यादगार हलवा पूरी। तकरीबन भी ये भी 30 से 35 साल पुराने हलवा पूरी वाले हैं जो कि सदर में हलवा पूरी सेल आउट कर रहे हैं। तो आज संडे का दिन है तो हमने सोचा कि एक और व्लॉग आप लोगों के लिए बनाया जाए नाश्ता सीरीज से रिलेटेड। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए आए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले अपना नाम बताइए। ताहिर अहमद। ताहिर भाई, कितने टाइम से ये शॉप आप रन कर रहे हैं? क्योंकि लोगों का तो रिव्यूज़ के बारे में ज़बरदस्त है कि जैकब लैंड में इससे बेहतरीन हलवा पूरी कहीं और नहीं मिलती, तो आपका क्या कहना है इस बारे में? बस ये लोगों की राय तो मैं तो लोगों की नहीं कह सकता। हाँ, 12 ये व्यू तो फिर लोग ही देंगे। बिल्कुल, मुझे यहाँ करते हुए तकरीबन 12 साल हो गए। 12 साल से आप यहीं पर। तो ये सिस्टम वगैरह भी माशाल्लाह आपने बहुत जदीद सा लगाया, अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे कि सब प्रॉपर स्लिप टोकन वगैरह मिलती है। नॉर्मली आप किसी हलवा पूरी वाले के पास जाते हो तो ये चीज़ वहाँ नहीं मिलेगी आपको कि टोकन सिस्टम है या सेटिंग सिस्टम है या वेटर आपको चीज़ें दे रहा है। सेल्फ सर्विस का सीन ज़्यादा होता है। तो फूड पैंडा वगैरह के ऊपर भी डिलीवरी आपकी अवेलेबल है, वैसे डिलीवरी आपकी क्या सीन है इसका बताइएगा मुझे। पूरी कितने की है, क्या सीन? पूरी 30 रुपये की है, फूड पांडा भी 30 की है। अच्छा जी, मतलब उसमें कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं? वरना नॉर्मली दुकानों में ये होता है कि 20 की अगर चीज़ है तो फूड पांडा पे 50 की पूरी है। ऐसा कोई नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो टाइमिंग वगैरह क्या होती है आपकी यहाँ? फूड पांडा की है मेरी अपनी शॉप। आपकी अपनी शॉप की? सुबह 6 बजे ऑन करते हैं, तकरीबन दोपहर को 2 बजे तक। और डेली बेसिस के ऊपर कोई छुट्टी वाला सीन? डेली बेसिस कोई छुट्टी वाला सीन नहीं, डेली बेसिस के ऊपर। माशाल्लाह रश आप देख सकते हैं, पार्सल की लाइन अलग लगी हुई है, फूड पांडा के ऑर्डर्स अलग यहाँ पे कलेक्ट हो रहे हैं और लोग यहाँ पे जो है वो अलग से नाश्ता कर रहे हैं। तो माशाल्लाह चीज़ अच्छी है, इस वजह से लोग इसे विज़िट कर रहे हैं। तो बहुत शुक्रिया, अब हम भी जो है वो टेस्ट करते हैं और आप लोगों को इसका रिव्यू देते हैं। दोस्तों, हमारे पास हलवा पूरी का नाश्ता आ गया है और टेस्ट करके आप लोगों को बताते हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा टाइम लगाएंगे तो ये सब ठंडा हो जाता है, फिर मज़ा नहीं आता खाने में। बाकी देखने में जो इनकी सारी चीज़ें वो तो बड़ी लजीज लग रही हैं, बाकी खाने में देखते हैं कि कैसी है। लोग जो इसकी तारीफ़ कर रहे हैं कि हलवा पूरी जैकब लैंड की बेस्ट हलवा पूरी है, नो डाउट इसका जायका बहुत ज़बरदस्त है। छोलों की तरकारी आउट क्लासेस, इससे पहले मैंने ऐसी तरकारी नहीं ट्राई की हुई है। आप लोगों ने अगर ट्राई की हो तो वो अलग बातें हमें बता दीजिएगा, क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को हमें दिखाई रखी हैं। हलवा इनका थोड़ा सा ट्राई करते हैं, क्योंकि इनका हलवा जो है वो देसी घी में नहीं, नॉर्मल डालडा में इन्होंने कुक किया हुआ है, तो इसका टेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट होगा। वाह, ट्राई करते हैं दोस्तों। वाह, कराची कुटीज की तरफ से हाईली रिकमेंडेड है, क्योंकि कराची में खाने पीने की चीज़ें जैसे मशहूर हैं और ये जगह आप लोगों ने अगर नहीं ट्राई की है ना तो आप लोगों ने कुछ भी ट्राई नहीं किया। यादगार हलवा पूरी आपने लाजमी विजिट करना है। एड्रेस इनका बहुत ही आसान है, स्टूडेंट बिरयानी के करीब ही है, किसी भी आप पूछेंगे वो आपको एड्रेस समझा देगा। हम अपना नाश्ता एंजॉय करते हैं, इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।